नमस्ते दोस्तों। तो यहाँ पे जो है एयरटेल ने दो प्लान लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आपको जो है वो 84 डेज के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, और जो है वो यहाँ पे 179 रिचार्ज को जो है यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया है। तो क्या इन प्लान्स की पूरी डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मेरा नाम अभिजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट जरूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए एयरटेल ने अपने दो प्लान जो है वो अपग्रेड किए हैं। आपको पहले प्लान में जो है वो 179 रुपीज़ में जो प्लान आपको मिलता था उसको सस्ता किया है, और जो है जो दूसरा प्लान है यहाँ पे नया लॉन्च किया है। यहाँ पे 84 डेज़ के लिए आपको जो है वो 84 GB डाटा मिल रहा है। तो पहले हम बात करते हैं 179 रुपीज़ का जो अपग्रेड किया है उन्होंने प्लान, तो आपको जो है ये ऑफर अब जो है वो 149 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी कि आपको जब 149 रुपये में जो है वो अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही हैं, रोमिंग कॉल्स आपको फ्री मिल रही हैं, आपको जब 100 SMS पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं, और जो आपको 1 GB 3G 4G डाटा मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी जो वो 28 डेज़ रखी गई है। यहाँ पे पहले आपको जो ऑफर जो वो 179 रुपीज़ का मिलता था, अब जो है यहाँ पे एयरटेल ने इसको चेंज करके 149 रुपीज़ कर दिया है। यहाँ पे जियो जो है वो 149 रुपीज़ में आपको जो अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है, रोमिंग आपको फ्री दे रहा है, 100 SMS पर डे के हिसाब से आपको दे रहा है, और जो है 1 GB पर डे के हिसाब से डाटा दे रहा है। उसकी वैलिडिटी जो है वो 28 डेज़ है, पर यहाँ पे एयरटेल ने जो है वो 1 GB टोटल डाटा आपको दे रहा है 28 डेज़ के लिए, बट यहाँ पे जियो जो है वो 28 GB डाटा टोटल आपको दे रहा है, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 28 डेज़ रखी गई है जियो की तरफ से। तो यहाँ पे ये प्लान जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बट जो लोग जो है वो एयरटेल ही यूज़ करते हैं उनको जो है कॉलिंग की ही ज़रूरत है, उनके लिए ये अच्छा प्लान हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो ये प्लान सामने निकल के आया है एयरटेल की तरफ से। अगर आप जो है वो एयरटेल का ये प्लान जो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है वो किसी भी रिटेलर से इसको रिचार्ज करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन रिचार्ज आप इसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो ये अपग्रेड जो है वो एयरटेल ने 179 रुपीज़ के प्लान में किया है। तो अगर मैं बात करूँ दूसरे प्लान की, यहाँ पे आपको जो है वो 399 रुपीज़ का रिचार्ज जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको जो 1 GB पर डे के हिसाब से डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग आपको इसमें मिल रही है, रोमिंग आपको फ्री मिल रही है, 100 SMS पर डे के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको जो इसकी वैलिडिटी जो है वो 84 डेज़ मिल रही है। यहाँ पे जो है वो जियो के साथ वाला प्लान जो है वो यहाँ पे एयरटेल ने इंट्रोड्यूस किया। आप यहाँ पे आपको जो 399 रुपये में जियो आपको जो है वो 84 डेज़ के लिए ही डाटा दे रहा है। यहाँ पे आपको 1 GB पर डे के हिसाब से डाटा दे रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग आपको फ्री दे रहा है, 100 SMS पर डे के हिसाब से दे रहा है, आपको रोमिंग इसमें फ्री मिल रही है, और जो इसकी वैलिडिटी जो है वो 84 डेज़ रखी गई है जियो की तरफ से। तो यहाँ पे जो है वो ये जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए जो है वो एयरटेल ने ये स्टेप लिया है। यहाँ पे 448 रुपीज़ का प्लान जो है वो यहाँ पे एयरटेल ने अपग्रेड कर दिया। उसमें आपको जो है वो 82 डेज़ के लिए जो है वो 82 GB डाटा टोटल मिलता था 1 GB पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो 399 रुपये में यहाँ पे उन्होंने 84 दिन के लिए जो है वो डाटा कर दिया है 1 GB पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो ये अपग्रेड जो है वो एयरटेल ने किया है। तो यहाँ पे जो है वो एयरटेल कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे निकल के सामने आई है आज के दिन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑफ़र जो है पसंद आए होंगे। तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं यहाँ पे मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, सबसे पहले जो आपको न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। तो जो है अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।